चैनल। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज जो है हम बात करने वाले हैं कि बर्तनों की डीप क्लीनिंग कैसे करेंगे, उन चीजों की जिनमें हम खाना पकाते हैं। आयरन के बर्तन होते हैं और एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, तो इन सारे बर्तनों को हम कैसे क्लीन करेंगे, और स्टील के भी बर्तन होते हैं, तो उन सारे बर्तनों को हम कैसे क्लीन करेंगे, और उनके साथ साथ कुछ कांच की और प्लास्टिक की चीजों को भी क्लीन करना मैंने आपके साथ शेयर करना है इस वीडियो में। तो चलिए आज के जो है टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं कि हमारे टॉपिक है क्या। हमारा टॉपिक है बर्तनों की डीप क्लीनिंग, और हमें जो है कुछ DIY से मैं क्लीन करूंगी और कुछ मैंने परचेस किया हुआ है उस चीज से मैं क्लीन करूंगी। तो देखिए, बिना पैसों के खर्च किए थोड़े मोड़े तो पैसे हमें खर्च करने ही पड़ते हैं। अगर कुछ हमें पाना है तो कुछ उसके लिए हमें खोना भी पड़ता है। तो ज्यादा बात नहीं करूंगी और आप लोगों से बोर हो जाओगे, और आज का वीडियो जो है हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक जरा सी भी वीडियो मेरी फुल होती है तो आप प्लीज मेरे लाइक कर देना, जिससे कि मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे की वीडियो बनाने के लिए थोड़ी मेहनत और कर पाती हूँ। और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पर, तो फटाफट से जो है मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं बनाती हूँ घर से और आपसे रिलेटेड वीडियोस। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हम बर्तनों को कैसे क्लीन करेंगे। किचन में जाते ही मुझे मिला ये विम बार का बॉक्स, तो चलो दिमाग में कुछ खुराफाते आ गई, तो इसका क्या करें मैं सोचने लगी। फिर मेरे दिमाग में आया, चलो एक DIY करते हैं। तो एक छोटा सा DIY है, सिर्फ 2 मिनट लगेगा, आप लोग रुक लेना, देख लेना। और यहाँ पर जो है ना, मैंने यहाँ पर चाकू को गर्म किया है और उसके बाद इस डब्बे में ना होल कर दिए हैं, और इस तरीके से मैंने कुछ होल किए हैं ताकि इसमें मैं कुछ भी रखूं तो पानी भी रहे जो भी, तो सारा सब कुछ ना ड्रेन हो जाए। और इसका स्टिकर मैं छुटाने की कोशिश कर रही थी बट नहीं छुट रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो छुट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ना मैं ये वाला यूज कर रही थी, तो इसका लिड ना टूट गया है, और ये मैं जब भी रखती हूँ ना, इतने सारे स्क्रबर्स रखती हूँ तो उसके एक के ऊपर एक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गीले रहते हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब हौचपच हो गया था उसमें। और ये देखिए, मैं यहाँ पर रख रही हूँ तो एक साइड में मैं स्टील वाला भी रख ले रही हूँ और एक साइड में दूसरा वाला, तो इस तरीके से वो ज्यादा अच्छा लग रहा है इसके अकॉर्डिंग। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। तो चलिए आइए हम बर्तनों को साफ कर लेते हैं। तो ये है मेरे हाथ में पीताम्बरी का पैकेट, मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। मेरे पास इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अब देखिए, मेरे पास है ये ग्रेटर, जिसको ग्रेट करते जिसमें ग्रेट मैं कुछ भी करती हूँ ना, तो अंदर की ओर फंस जाता है, और इसमें जो घाटे बनी हुई है ना, उसमें बहुत गंदगी फंस जाती है, जो साफ करना मेरे लिए मुश्किल होता है क्योंकि हाथ कटने का डर रहता है। तो ये पीताम्बरी पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे हल्के फुल्के से, तो वो मैंने इसमें रीड कर लिए हैं। पहले हमें पानी से बर्तन को गीला कर लेना है, उसके बाद पीताम्बरी को अप्लाई करना है। तो चलिए कट कर लेते हैं इस पैकेट को। तो इस पैकेट को कट करने के बाद इसमें से एक पाउडर टाइप का निकलता है और बिल्कुल पिंक कलर का है, तो मैं बस एक स्टील की कटोरी ले ले रही हूँ और उसमें जो है निकाल रही हूँ। तो बस इतना क्वांटिटी का मैंने निकाला है। अब हम इससे बर्तन साफ करेंगे, देखते हैं कि चमकते हैं कि नहीं। तो बस यहाँ पर शुरुआत हो गई है बर्तनों को साफ करने की। तो स्क्रबर मैंने निकाल लिया है और जो है सबसे पहले इस ग्रेटर को साफ करना शुरू कर दिया है, तो इसमें जो फंसी हुई है ना बहुत सारी गंदगी शायद निकल जाएगी। इस चक्कर में मैं इससे साफ कर रही हूँ, लेकिन इसको साफ करने में मुझे काफी मेहनत लगी क्योंकि ये पहले से ना अंदर अंदर कुछ ना कुछ गंदगी भरी हुई थी, जो कि ना साफ करने के वजह से
और ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा। फिर मैंने ब्रश की सहायता से किसी तरीके से जो है इसको क्लीन किया है, और अब पानी डालने के बाद जब वॉश करती हूँ मैं, तो देखिए क्या शाइन आती है। बहुत अच्छी सी शाइन आ गई, जैसे बिल्कुल मैं नया बाजार से खरीद कर लाई हूँ। तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कहा चलो अब लोहे की कढ़ाई की बारी है, तो इसमें हम बहुत तरह के बर्तन साफ कर सकते हैं, स्टील, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ब्रास। तो हम मैंने कहा लाओ, वैसे मेरी कढ़ाई तो बहुत काली है क्योंकि बार बार जंग लग जाती थी, तो मैं ऑयल लगा के रखती हूँ ना, तो ये ब्लैक हो जाती है गर्म करने पर। तो देखिए मैं लगा लगा के साफ तो कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी मेहनत लग रही है इसको क्लीन करने में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदी है। मेरे हिसाब से इसको 3 से 4 बार मैं क्लीन करूँगी, तब जाके ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। आई होप, पहले भी मैंने बहुत क्लीन किया था और काफ़ी पुरानी भी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीसी ये हो चुकी है। तो देखिए थोड़ा सा नींबू मैंने लिया था, नींबू को उसके साथ भी मैंने यूज़ किया इसको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर है, जो जिसकी वजह से ना मेरे हाथ में भी, मेरे हाथ काफ़ी रफ होने लगे हैं इससे साफ करते टाइम। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें इसको क्लीन, इससे क्लीन करने के लिए बर्तन, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा रफ हाथ हो गए मेरे। तो चलिए अब एल्युमिनियम के बर्तन हम क्लीन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने नहीं की है क्योंकि मैं वीडियो क्रिएट कर रही थी, फिर कभी मैं साफ़ कर लूँगी और लोहे की कढ़ाई को, लेकिन फिर भी मैंने 10 से 15 मिनट उसको दिए हैं और बस वो उतनी ही साफ़ हो पाई है। और ये बिल्कुल पीला पड़ गया था ढक्कन, और इसको मैं कितना भी क्लीन कर रही थी लेकिन ये छूट नहीं रहा था। और ये देखिए क्या शाइन है, जैसे ही आप पानी डालते हो ना एकदम चमक जाते हैं बर्तन, बिल्कुल इतनी अच्छे नए की तरह बर्तन लगने लग रहे हैं। तो इसमें भी जो है कुकर, ये बहुत पुराना कुकर है और बिल्कुल येलो पड़ गया है, कितना भी साफ करती हूँ होता नहीं है। तो आज हम पीताम्बरी से साफ करेंगे, तो देखते हैं कि ये चमकाती है या नहीं। और इसका पता बेस भी जो है ना तो निकल गया है इंडक्शन वाला, जिसकी वजह से ये पहले से भी काफ़ी गंदा हो गया है। और ये जो पीछे इसके ब्लैक ब्लैक है ये पहले से है, और ये तो जल्दी छूटता भी नहीं है मुझसे, और मैं कितनी भी मेहनत इसके साथ कर लूँ कहीं कहीं पे से निकल जाता है लेकिन नहीं छूटता है। तो पीताम्बरी ये काम करती है या नहीं करती है चलिए देख लेते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, जैसे ये जला हुआ है तो ये साफ़ हो पाएगा या पीताम्बरी से, या नहीं तो नहीं हो पाएगा। पीताम्बरी आपको सिर्फ और सिर्फ जो है शाइन देती है आपके बर्तन में, आपके बर्तनों को पीला पड़ा होगा तो उनको साफ कर देगी और थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम भी करती है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं मुझे महसूस हुआ है अभी तक क्लीन करने के साथ, जो है मुझे इतना एक्सपीरियंस मिला है कि मैंने जो भी चीज़ें साफ करी हैं चमक तो गई हैं, बिल्कुल नई जैसी शाइन आ गई, थोड़ी सी मेहनत लगी है। और ये देखिए मेरा मतलब कुकर यार इतना चमक गया ना, मुझे तो बिल्कुल समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये नया है। और ये जो नीचे काला वाला इसका पार्ट है ना, ऐसा लग रहा है इसको निकाल देंगे तो लगेगा अभी मैं खरीद कर ला रही हूँ। फिर मैंने तवे पर भी ये ट्राई किया, लेकिन तवे पर बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था ये, और बहुत मेहनत लग रही थी और मेरे हाथ भी दर्द होने लगे थे। फिर मैंने कहा कि चलो लोहे के बर्तन हम फिर कभी साफ करेंगे, क्योंकि मेरे घर पे पराठे बहुत बनते हैं जिसकी वजह से ना बहुत ही ज़्यादा ये लोहे का तवा जो है स्टिकी सा हो गया है। तो देखिए फिर भी शाइन आ गई है हमारे लोहे के बर्तन में भी, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और अगर रेगुलर करते हैं आप यूज़, और अभी आपके बर्तन बहुत पुराने नहीं हुए हैं या बहुत गंदे नहीं हुए हैं, तो ये आपको मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। और ये हर दुकान पर मिल जाती है, कहीं पर से भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती है। और अभी मैंने यहाँ पर पानी गर्म किया है, और ये सारे जो है ना ग्रीसी वाले बर्तन थे छोटे छोटे सारे, जो मैं मसाले वगैरह रखती हूँ, तो पानी गर्म करने के बाद उसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया और थोड़ा सा विनेगर डाल दिया है, बस इतना ही चीज़ डाली है। और ये नई बॉटल मैंने ली हुई है, वो भी मैंने क्लीन इसी से की है। तो सारी जो है ना इसमें जैसे ही मैं
ये पानी डालती हूँ और सारा ग्रीस जो है ना निकल के गिर जाता है नीचे। तो कांच की बोतल भी जो है ना मुझे, मैंने एक बार भी यूज़ नहीं करी है, नई ली है मैंने, और मैंने मीशो से मंगवाई है। मैं इसका रिव्यू शॉर्ट में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ बहुत जल्द, तो आप लोग जो है ना देख लेना वहां पर जाकर। और बहुत अच्छा रिव्यू है इसका, और अभी तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और उसके बाद वो कैसा होता है वो भी मैं आगे शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर हमारे बर्तन जो हैं कितने शाइन करने लगे हैं। ये सारे ना बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो गए थे, क्योंकि खाना घर में बनता है, कभी हम एग्जॉस्ट ऑन कर देते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, या लाइट नहीं होती है, तो इन्वर्टर से मैं नहीं चलाती हूँ, तो उस टाइम पे ना ये सारे ग्रीस जो है ना ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने आप पर। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सोचा कि लगे हाथों सिंक को भी क्लीन कर लेते हैं, और ये भी तो स्टील का ही है, देखते हैं ये चमकता है या नहीं, क्योंकि वैसे तो मैं क्लीन रखती ही हूँ, फिर भी इसमें एक नई वाली शाइन आ रही है इसको यूज करने के बाद। तो मैंने कहा कि चलो नया नया फील करते हैं, हो सकता है कि नया नया लगे हमारा सिंक और मेरा मन करे बहुत सारे बर्तन धोने का। तो आप बताना कि आपको कैसा लगा, ये सिंक मेरा साफ हुआ या नहीं, और मेरे बर्तन साफ सुथरे दिख रहे हैं या नहीं, ये बिल्कुल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आप भी बता सकते हो वीडियो में देखकर। वैसे मेरे हिसाब से तो काम कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं किया इसने, फिर भी मेहनत लगेगी और थोड़ा पाउडर लगेगा तब जाके ये हमारे बर्तन क्लीन होंगे। तो जो फेंकने वाले बर्तन हैं उसको तो बिल्कुल भी आप साफ करने की कोशिश मत करिएगा, बहुत मेहनत लग जाएगी आपकी। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था, और अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।